Hi friends, I hope you all are doing good. So in today's video, we are going to discuss a very important topic which is also very important for you all, and that is if MBBS in India is good or MBBS in Russia is good. So basically, we are going to talk about MBBS in India versus MBBS in abroad. So for this topic, we have the truly right person, who is Mr. Basith, who will share the problems with the students he get on daily basis and how he answers the queries, and he will compare all the situations and all the factors which will determine if MBBS in India is good or MBBS in abroad is good. So let's meet Mr. Basith. Hello Mr. Basith, welcome to Lucid Education. So Mr. Basith, we wanted to talk about the factor, like students have some queries in their mind that if MBBS in India is worth it or MBBS in abroad is worth it. So what is your opinion on the topic? ऐसे बहुत सारी queries हमारे पास आई हैं, like के student worried हैं कि वो कहाँ से MBBS अपना start करें, like वो abroad से करें या फिर इंडिया से करें. अगर हम इंडिया में ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई आगे करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, और अगर हम अब्रॉड में वो चीज़ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती हैं. तो सबसे पहले हमें इसी टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए कि इंडिया में हमें क्या क्या चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाता. सो मिस्टर बासित, सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस एक लिमिटेड अमाउंट में है, और अगर उनमें भी सीट्स की बात की जाए तो बहुत कम सीट्स अवेलेबल रहती है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. प्राइवेट कॉलेजेस में यू नो डोनेशन का सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट है और स्टूडेंट्स नहीं एडमिशन ले पाते जिस बिकॉज ऑफ द हाई फीस एंड हाई डोनेशन अमाउंट्स. तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि स्टूडेंट्स को कैसे उस चीज़ को कवर करना चाहिए? जैसे कि स्टूडेंट के अगर वो डोनेशन दे सकते हैं, जैसे की बात है, अगर वो डोनेशन पे कर रहे हैं तो फिर भी चांसेस बहुत कम हैं कि वो नीट क्वालिफाई कर पाए. सो इस बार वैसे भी नीट कंपलसरी हो चुका है अब्रॉड जाने के लिए भी, तो ये बहुत टफ रहेगा इस बार. तो अब लाइक अगर उनके पास बजट है, अगर वो डोनेशन पे करना चाहते हैं या वो प्राइवेट कॉलेज में अगर उनका एडमिशन हो जाता है डोनेशन देने के बाद, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो इंडिया से ही अपना MBBS का पढ़ाई पूरी करें. अगर उनके पास बजट बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मोस्ट ऑफ दी हमें क्वेरीज आई हैं कि सर हमारे पास बजट नहीं है और हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर उसमें मेरा सजेशन यही रहता है कि वो अब्रॉड से जाके ही अपनी स्टडी को कम्प्लीट करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम फीस रहता है. दूसरी चीज़, वहाँ डोनेशन का इतना इशू नहीं है जितना कि इंडिया में होता है. आई थिंक डोनेशन वहाँ पे प्रेवलेंट है ही नहीं, वहाँ पर नहीं, स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिलता है. और जैसे आपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में बोला, तो वहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है. लाइक अगर हम इवन रशियन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ सीट्स जहाँ पर 100% स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है. तो दैट इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू ऑल इफ यू आर प्लानिंग टू गेट स्कॉलरशिप. आप अब्रॉड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो रशियन यूनिवर्सिटीज एंड मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफर स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स जहाँ आपको 100% स्कॉलरशिप तक अवेलेबल रहती है. तो दैट इज अ गुड ऑप्शन, बजाय कि इंडिया में आप इतना प्राइवेट कॉलेजेस में स्पेंड कर रहे हैं और इतना आप फीस पे कर रहे हैं, डोनेशन पे कर रहे हैं, तो आपको 100% स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन रहता है. तो अगर फीस स्ट्रक्चर को हटा दिया जाए और अगर बात की जाए क्वालिटी एजुकेशन की, एजुकेशन क्वालिटी को अगर कंपेयर किया जाए दोनों सिनेरियो में, इंडिया में और अब्रॉड में, तो उस बारे में आपका क्या वर्डिक्ट रहेगा? अब्रॉड में जैसा कि देखा जाता है, जैसे हम अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करें लाइक रशिया, तो रशिया में जितना प्रैक्टिकल पे अगर फोकस किया जाता है वो हम इंडिया में नहीं कर सकते इतना. वहाँ पर काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कराया जाता है, प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस होता है उनका. तो प्रैक्टिकल में बाकी कंट्रीज अब्रॉड कंट्रीज काफ़ी अच्छी हैं एजुकेशन के लिए. तो प्रेफर मेरा तो यही है कि वो अब्रॉड अगर बजट अगर वो जाना चाहें तो अब्रॉड से कर सकते हैं. अगर वो चाहें कि वो डोनेशन देके अगर इंडिया में अगर उनका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर वो अब्रॉड से कर सकते हैं. बाकी एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, एटमोसफेयर अच्छा है. बहुत सारे इंडियंस हमने भेजे हैं अब्रॉड में, अलग अलग कंट्रीज में भेजे हैं, तो अभी तक सबके रिव्यू अच्छे ही आ रहे हैं वहाँ से, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको एक टैग मिल जाता है कि आप अब्रॉड से पढ़ के आए हैं. और MBBS अब्रॉड में क्लिनिकल एजुकेशन बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्चुअली अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वो आपको सिखाते हैं कि आपको डॉक्टर कैसे बनना, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है. टेक्सटुअल एजुकेशन तो आपको मिलती ही है, साथ में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से और बहुत रेलिवेंट तरीके से मिलती है, क्योंकि एफिलिएटेड क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो. तो दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन, आपको प्रैक्टिस का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है. प्लस आई थिंक द सिलेबस इज सेम, द सिलेबस ऑल अराउंड यस इन इंडिया एंड अब्रॉड द सिलेबस इज सेम. WHO रिकमेंडेड सिलेबस होता है विच इज अप्रूव्ड बाय ऑल द मेडिकल एसोसिएशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड.
तो आपको सिलेबस सेम मिल रहा है, उसी सिलेबस में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर और बेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स आपको वहाँ लेबोरेटरीज में मिलती हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. और मिस्टर बासित, बहुत सारे स्टूडेंट्स एज एन ऑप्शन अब्रॉड जाना चूज करते हैं बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सीट्स उनके पास उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में दे कांट अफोर्ड. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माइंड 11, 12 में ही स्टार्टिंग में क्लियर हो जाता है कि उनको अब्रॉड जाना है बिकॉज दे आर वेरी क्लियर ऑन द पार्ट कि वहाँ एजुकेशन क्वालिटी और वहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. अगर स्टूडेंट लाइफ की बात की जाए अब्रॉड में, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहती है वेस्टर्न कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में अगर स्टूडेंट्स जाते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या डिफरेंस रहता है इंडिया एंड अब्रॉड? स्टूडेंट लाइफ इज लाइक कि जैसे जहाँ आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं, मुझे ये लगता है कि वहाँ आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है. ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया से अब्रॉड जाते हो तो आप यहाँ के फेस्टिवल मिस करते हो, वहाँ भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ आपको एक नया एटमॉस्फेयर, एक नया फेस्टिवल, एक नया कल्चर सीखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है. और दूसरी चीज़, सारी लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी हमारी कल्चर एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी लाइक सेलिब्रेट की जाती है और उन्हीं डे पे सेलिब्रेट की जाती है, तो उनको मुझे नहीं लगता कि अपने घर की याद भी आती है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत इंजॉय करते हैं. और काफ़ी फीडबैक भी हमें स्टूडेंट से मिला है इस चीज़ के रिगार्डिंग के सर सारी चीज़ें हमें मतलब इंडिया जैसी फीलिंग आती है, तो वो चीज़ अच्छी है, तो घर जैसी याद नहीं आती बिल्कुल स्टूडेंट्स को. जब कोई स्टूडेंट कोशिश करता है हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करने की, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो हर स्टूडेंट के मन में कुछ सेट नॉर्म्स होते हैं कि उनको ऐसा कॉलेज चूज करना जिसकी लोकेशन अच्छी हो, ऐसा कॉलेज चूज करना जहाँ घूमने फिरने के ऑप्शंस बहुत हों, प्लस क्वालिटी एजुकेशन हो, उनको एजुकेशन बहुत अच्छी मिले. तो आई थिंक MBBS एंड अब्रॉड उन सारे पैरामीटर्स पे बहुत खरा उतरता है ऑप्शन ये, क्योंकि उनको वहाँ बहुत अच्छी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है कल्चरल लाइफ में भी, और स्टूडेंट्स को बाकी सब पार्ट्स से आई थिंक अब इतना प्रिवेलेंट हो गया ये कल्चर MBBS एंड अब्रॉड कि हर ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स जाते हैं दूसरी कंट्रीज में एजुकेशन के लिए, तो स्टूडेंट्स आपस में घुलते मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है इंडियन स्टूडेंट्स को, जो कि आई डोंट थिंक कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ के उनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड का. तो प्रिपेयर यही है कि आप लोग अब्रॉड जाएं. और एक और अभी जो सर्वे किया गया है, कुछ मेडिकल काउंसिल्स ने सर्वे किया है कि अगर कोई स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी बार बार करते हैं, लाइक अगर आपने एक बार एग्जाम दिया और अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया, आप दूसरी बार भी अटेम्प्ट करते हो, तो कुछ परसेंटाइल ही आपका रिजल्ट इम्प्रूव होता है. रिजल्ट डेफिनेटली इम्प्रूव होता है, इसके प्रॉपर सर्वेस किए गए हैं, कुछ परसेंटाइल रिजल्ट इम्प्रूव होता है. और इतना भी ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट सफिशेंट हो आपको एंट्री दिलाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में. तो आई वुड हाईली रिकमेंड द स्टूडेंट्स कि वो अपना टाइम ना वेस्ट करें, अगर वो किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं 2 या 3 साल तक वो प्रिपेयर कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, इट्स बेटर यू गाइज हेड टू MBBS इन अब्रॉड बिकॉज सारे पैरामीटर्स पे MBBS इन अब्रॉड इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज लोकेशन आपको वहाँ बहुत अच्छी मिलती है, एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे, एक्सपीरियंस होते हैं जो कि इंडिया में भी होते हैं, बट स्टिल यू गेट अ वेरी गुड एक्सपोजर इन अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ अदर कंट्रीज. इंग्लिश मीडियम को लेकर कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि वहाँ पढ़ाई कौन से मीडियम में होती है बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाई करते हैं जनरली आफ्टर 12th तक. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं एडमिशन्स के लिए तो वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो बासित उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इसमें एक चीज़, उनको एक चीज़ का एडवांटेज मिलता है कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो और आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, पहला एडवांटेज आपको ये हो गया. दूसरी चीज़, वो आपके लिए कंपलसरी क्यों है, आपको वो क्यों सीखनी है, तो जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आप वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो एटलीस्ट आपको इतनी वहाँ की लैंग्वेज, इतनी वहाँ की भाषा आनी चाहिए कि आप उन लोगों से उनकी बीमारी समझ सकें, आप उनको प्रॉपर गाइड कर सकें. तो इसलिए ये कंपलसरी है कि आपको जिस भी आप देश में जा रहे हैं, जिस भी आप कंट्री में जा रहे हैं, आप वहाँ की लैंग्वेज को सीखें. इसका फ़ायदा आपको भी होना है कि आपको भी एक नई लैंग्वेज सीखने का मौका मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड ही लैंग्वेज होती है, आप कोई सी भी कंट्री में जाते हैं अगर आप कुछ वहाँ नया सीख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा दिक्कत तो आती नहीं है. लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की क्वेरी बहुत आई है
कि सर हम कैसे किसी कंट्री में जाके इतनी जल्दी कैसे उनकी लैंग्वेज को सीख सकें, तो आपके पास 6 साल होते हैं, 6 साल अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होती है लाइक जो वहाँ की बेसिक चीज़ें होती है वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और आई थिंक वो भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनकी क्लासेस होती हैं, जो भी लोकल लैंग्वेज होती है किसी भी कंट्री की प्रॉपर क्लासेस होती हैं, उसमें आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, ताकि जब आप अपने एंड ईयर्स तक जाएँ तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएँ वहाँ के लोकल लोगों से बात करने के लिए। डेफिनेटली। सो मिस्टर बासित, आई थिंक जो हॉट टॉपिक चल रहा है MBBS इन इंडिया वर्सेज MBBS इन अब्रॉड, तो हम दोनों ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि MBBS इन अब्रॉड इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप MBBS इन अब्रॉड एज एन ऑप्शन चूज कर रहे हैं, यू विल नेवर रिग्रेट दिस ऑप्शन ऑफ योर्स, क्योंकि आपको इतनी अच्छी एजुकेशन, इतनी अच्छी सर्विसेज और इतनी अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस वहाँ प्रोवाइडेड रहेगी, प्लस विद ऑल द बेनिफिट्स, हॉस्टल सेफ एंड सिक्योर रहते हैं, फूड फैसिलिटीज बहुत अच्छी रहती हैं फॉरेन कंट्रीज में, स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर माहौल दिया जाता है इंडिपेंडेंट बनने का, साथ साथ वो ग्रो कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल इफ दे वांट टू बी ग्रेट डॉक्टर्स ऑफ टुमारो। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू क्रिएट सम ऑफ योर ओन, एंड डू नॉट वेट, जस्ट टेक एडमिशन इन MBBS इन अब्रॉड इफ यू वांट टू बी द ग्रेट डॉक्टर्स ऑफ टुमारो। We at our channel always provide the latest updates and information regarding MBBS in abroad, and if you want to know all the complete details regarding the same, please subscribe to our channel and press the bell icon for all latest updates. So, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। थैंक यू।